शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म पठान को हिट करवाने के चक्कर में मक्का से लेकर वैष्णो देवी में मत्था टेक रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि शाहरुख खान की ये फिल्म मुसीबतों में फंसने जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म के सीन नहीं बदले गए तो इस फिल्म की रिलीज पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आप ये वीडियो देखिए। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए ये विचारणीय प्रश्न होगा। नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य भी बताया और ये भी कहा कि वो जेएनयू के देश विरोधी तत्वों के साथ खड़ी थी। आपको बता दें कि फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग रिलीज के साथ ही विवादों में फंस गया। कोई इस गाने के बोलों को लेकर आलोचना कर रहा है तो कोई शाहरुख और दीपिका के लुक्स को लेकर। एक विवाद ये भी पैदा हुआ कि दीपिका ने एक सीन में नारंगी रंग के कपड़े पहने हैं, जिसे लेकर लोग अब ये कह रहे हैं कि वो भगवा रंग है और एक मुस्लिम शख्स ने महिला को अभद्र तरीके से पकड़ा हुआ है। इस सीन को अब भगवा के अपमान के साथ देखा जा रहा है। आपको बता दें कि शाहरुख खान अपनी फिल्म को लेकर काफी चिंता में हैं और फिल्म को हिट करवाने के लिए कभी मक्का में उमराह कर रहे हैं तो वैष्णो देवी में कभी मन्नत मांग रहे हैं, लेकिन एक गीत के आते ही जो विवाद खड़े हुए हैं उससे फिल्म को नुकसान होने के आसार नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।